आज की न्यू एज लव स्टोरी है. इट्स अबाउट द इश्यूज ऑफ द यूथ टुडे और उसको बहुत ही कॉमिक तरीके से हमने प्ले किया है. एंड हमने हाईलाइट किया है कि रियलिटी शोज़ के पीछे जो असली रियलिटी होती है वो क्या होती है. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स हु आर इन लव. यू आर इन लव विद पावर विच इज़ माई कैरेक्टर. यू आर टैलेंटेड. इट्स अ fun thing going in the film and everyone is crazy about something, but my character is crazy about power and she can't hear no, and how she manipulates everyone and how she wants everyone to do what she wants to do. And it's a very interesting negative gray shade, actually. Tell us something about your character in the film and yourself, some in short. ye film mein jo ladka hai iska naam hai Aditya. Ye Ambala ka ek londa hai. Ye Bombay se Delhi se sorry क्या इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. ये आदित्य जो लौंडा है अंबाला का, ये अंबाला से आया है. ये बॉम्बे आया है सिंगर बनने के लिए. छोटी छोटी जेबों में इसके बहुत ही बड़े बड़े सपने हैं. ही वॉन्ट्स टू बी अ सिंगर इन बॉलीवुड. बड़े बड़े गाने गाना चाहता है फिल्मों के लिए. एक रियलिटी शो का पार्ट है कॉल्ड इंडियन आइकन, जो कि अगर उसने जीत लिया तो उसको उसकी बॉलीवुड की टिकट मिल जाएगी. अब उसकी प्रोड्यूसर है ईशा, जो कि प्लेड बाय मुग्धा गोडसे. अब ये लड़का है पूरा दिल से एक आर्टिस्ट टाइप का. इसको एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की मिलती है और इसको इश्क हो जाता है. इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है. अब एक पॉइंट आता है जहाँ उसको चूज़ करना है, लव या वो शॉर्टकट जो उसको करियर दे देगा. एंड द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग इज रितु शर्मा. शी इज़ फ्रॉम आगरा, मॉडर्न गर्ल. शी इज़ बेस्ड इन मुंबई नाउ. वो यहाँ पे शर्मा तो वो बॉम्बे में आती है और कॉर्पोरेट फर्म में काम कर रही है. कुछ पीजीज के साथ रह रही है जो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं. एंड ऑब्वियसली शी इज ऑस्ट्रक बाय द फैक्ट दैट अ सेलिब्रिटी लाइक्स हर, यू नो, अ फेमस गाय लाइक्स हर. सो धीरे धीरे शी स्टार्ट्स बिलीविंग दैट, यू नो, अ पर्सन लाइक फ्रॉम दिस इंडस्ट्री कैन लाइक मी जेन्युइनली. And she develops that faith. It's her first love. And how, what all she does to get him, you know, to stick to her belief. It's about that. I'm a superstar. I'm a superstar.